हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इन्वेंटरी के बारे में आज समझेंगे, यानी कि टैली ईआरपी 9 की बात करेंगे और प्राइम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि इन्वेंटरी क्या, पहले तो ये समझेंगे कि इन्वेंटरी क्या होती है। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन्वेंटरी क्या होती है। तो इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारे डिटेल जहां आते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेंटरी। अब ये टैली ईआरपी 9 में भी था और प्राइम में भी है, तो दोनों ही को हम एक बार कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे हम इन्वेंटरी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं टैली प्राइम है, ईआरपी 9 यहां पर ओपन किया है मैंने, ये देखिए ये ईआरपी 9 है। तो ईआरपी 9 में गेटवे ऑफ टैली यानी कि जो टैली की मेन मेन्यू होती है उसके एकदम सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो आपको इन्वेंटरी इन्फो मिलेगा यहां पर। अगर इसमें आई बटन प्रेस कर देते हैं, यहां पर आई बटन प्रेस कर देते हैं तो इन्वेंटरी इन्फो वाली मेन्यू खुल जाती है और इसमें के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। यहां पर आपको स्टॉक ग्रुप मिल जाता है, स्टॉक आइटम मिल जाता है, यूनिट ऑफ मेजर मिल जाता है, पाउचर टाइप के बारे में पहले बता चुका हूँ, कॉपी एलोकेशन डिटेल और क्विट ऑप्शन मिल जाता है। तो ये स्टॉक आइटम आप यहां से बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप और यूनिट भी क्रिएट करा सकते हैं, पाउचर टाइप पहले ही हम लोग जान चुके हैं, तो यहां से ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन यही चीज अगर बात करें टैली प्राइम में तो आप यहां पर आपको नहीं देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहां पर कहीं भी इन्वेंटरी की डिटेल आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहां ऊपर क्रिएट का ऑप्शन जरूर दिया हुआ है। तो अगर आप क्रिएट पे जाते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स नजर आता है, यहां पर शो मोड दिया हुआ है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और भी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। यहां पर आपको इन्वेंटरी मास्टर मिल जाता है, जो चीजें आप वहां से करा सकते हो वही सेम चीज यहां से भी कर सकते हो। आपको इसमें एक ऑप्शन पहले से मिल जाता है, जैसे ये गोडाउन ऑप्शन है, इसको आपको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक्टिवेट है पहले से। टैली ईआरपी 9 में आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा गोडाउन ऑप्शन, ठीक है। तो गोडाउन जब भी बनाना हो तो आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे और इन्वेंटरी फीचर्स में जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको गोडाउन ऑप्शन, ठीक है। तो इसी में से आपको ये गोडाउन ऑप्शन एक्टिवेट करना रहता है, समझ में आई बात। यहां पर देखिए दिया हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, तो ये ऑप्शन नो है, जैसे ही यस कर देंगे, देखिए मैं यस करता हूं इसको, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए कर देता हूं तो अभी आपको इसमें गोडाउन नजर आने लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे ये देखिए, तो अभी इसमें आपको गोडाउन ऑप्शन नजर आने लगा, ठीक है। तो यहां पर गोडाउन मिल जाता है, आपका कारोबार बड़ा होता है तो उस कंडीशन में आप कई गोडाउन में अपना सामान रखवाते हैं, इसीलिए हम गोडाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेंटरी कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपको स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम बनाना हो, यहां चले जाइए स्टॉक आइटम पर, टैली ईआरपी 9 में आई बटन प्रेस कर दीजिए, दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल स्टॉक आइटम और सिंगल स्टॉक आइटम। इस बार हम मल्टीपल स्टॉक आइटम की बात कर लेते हैं, यहां से आर बटन प्रेस करना है और यहां पर अगर आप ऑल आइटम रखना चाहते हैं तो ऑल आइटम रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो यहां पे टाइप कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कैसे टाइप करेंगे, अल्ट सी करके यहां लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके से, और ये लिखने के बाद एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहां पर ऊपर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां पे डेट आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, फिलहाल यही मैं पीरियड रखता हूं, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं क्या करता हूं, एलईडी बल्ब कर देता हूं, एलईडी बल्ब, ठीक है। सिंपल वे में लिख देना है आपको, कोई अल्ट सी नहीं प्रेस करना, ठीक है। अब यहां पर यूनिट की बात आती है तो कुछ यूनिट मैंने पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है, आप चाहे तो और भी यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एनओएस कर देता हूं एक यूनिट नंबर्स, ओके, तो ये हो गया नंबर्स, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एक्सेप्ट कराया, तो ये नंबर्स हो जाएगा। और यहां पर ओपनिंग क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के साथ आप ओपनिंग कर रहे हैं वो चीजें यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है, यानी कितनी एलईडी बल्ब है आपके पास। तो यहां पे 100 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब ये कौन से गोडाउन में जाएगा, ये 100 के 100 बल्ब कौन से गोडाउन में जाएंगे, वो गोडाउन भी आपको देना होगा। आपको याद होगा कि गोडाउन ऑप्शन हमने एक्टिवेट किया था, तो यहां से अल्ट सी करके एक गोडाउन बना लीजिए, न्यू कॉलोनी देवरिया, न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं। तो ये एक गोडाउन हमने बनाया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कराया, ये हो गया। 100 क्वांटिटी यहां पे रखी जा रही है, एक क्वांटिटी की खरीद रेट 30 रुपए, ठीक है, ये हमने कर दिया।
समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहां पर एलईडी बल्ब के बाद टीवी कर देता हूं, एलईडी टीवी लिख दिया मैंने, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, यहां पर भी एनओएस रहेगा। तो ये देखिए यहां पर 30 इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी यहां पे आ जाएगी, और ये कौन से गोडाउन में जाएगा, यहां पे देखिए ये न्यू कॉलोनी लिखते वक्त हमसे गड़बड़ी हो गई, तो इसको सही करना है तो कैसे करेंगे ये भी आपको बता देता हूं। पहले नया गोडाउन में बना देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां कर देता हूं राघव नगर देवरिया, ठीक है, ये कर दिया, एंटर किया। यहां पे देखिए फिर से गलत हो रहा है, इसको सही से कर लेते हैं, राघव नगर देवरिया, ये कर दिया और एंटर किया। यानी कुल मिलाकर के दो गोडाउन हमने बना लिए, ठीक है। 30 क्वांटिटी है, एक की खरीद रेट कितनी पड़ रही है, एक की खरीद रेट आ रही है 12,000, यानी इससे ज्यादा का ही हम बेचेंगे जब भी बेचेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा बन गया, हमने एक्सेप्ट करा लिया, लेकिन इसको अब हमें सही करना है। याद है कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो सही करने के लिए आपको स्टॉक आइटम वाले ही विंडो पे रहते हुए अल्टर पे जाना है। अल्टर आप सिंगल गोडाउन में भी जाके अल्टर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये गए और यहां से NEW न्यू कॉलोनी कर देते हैं, और ये कर दिया देवरिया, तो बस ये अल्टर हो जाता है। यानी गोडाउन को भी अगर आप अल्टर करना चाहते हो तो आसानी से अल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं अब नाम सही हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आई होगी। अगर आप एंट्री पास करने जाएंगे तो कैसे एंट्री पास होंगी, तो वो बता देता हूं। देखिए यहां से परचेज में चलते हैं एंट्री पास करने के लिए, और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया, और यहां पर कोई भी क्रेडिटर पार्टी का नाम आता है, फिलहाल कैश कर देता हूं, एंटर करता हूं, और यहां पर आ जाते हैं, परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। और अब कोई एक स्टॉक आइटम लाइक पार्ले जी का बिस्किट ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बनाया था हम, इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप ही ये, यहाँ पे देखिए 100 एलईडी बल्ब की बात करेंगे, तो ये कौन से गोडाउन में जाएगा, न्यू कॉलोनी देवरिया गोडाउन में जाएगा 100 आइटम, ठीक है। कितना आइटम है, 100 आइटम, तो ये डाल दिया हमने कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। अब देखिए अब अगर कोई और स्टॉक आइटम होगा तो और भी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूं, एंटर करता हूं, एक्सेप्ट कराता हूं उसको, ये एक्सेप्ट करा लिया। देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप इन्वेंट्री का यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इन्वेंट्री का यूज करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाती है बात, तो काफी ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टैली प्राइम में आते हैं, तो ये आपका टैली प्राइम है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, तो यहाँ पे ग्रुप बनाना है। आप यहाँ पे कैटेगरी भी बना सकते हो, कैटेगरी को एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये गोडाउन ऑप्शन चालू है, तो यहाँ पर अगर आप गोडाउन बनाना चाहें तो गोडाउन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ न्यू कॉलोनी को देवरिया, तो ये कर दिया न्यू कॉलोनी देवरिया। अगर आप गलती कर देते हैं तो सेम वही मेथड है, अल्टर में जाकर के आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा बना देता हूँ राघव नगर देवरिया, तो ये दो गोडाउन हमने बना लिए, ठीक है। अब इससे बाहर आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें एंट्रीज पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए के प्रेस करके डेबुक में जाए, सॉरी एंट्री पास करने के लिए वी प्रेस करके वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद जहां से परचेज वाउचर में आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने वाउचर टाइप बना रखा है, तो परचेज फिलहाल हमें यूज करना है। यहाँ पर सप्लायर का कोई भी इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं क्रेडिटर पार्टी या फिर कैश ही कर देते हैं, तो ये कैश कर दिया, ठीक है। ये सारी डिटेल आप भर लीजिएगा, और यहाँ पर रेगुलर करके GSTIN नंबर डाल के परचेज अकाउंट का लेजर लगा के, और जो भी चीजें आपके पास मौजूद है लाइक, अब देखिए यहाँ पर हम नया स्टॉक आइटम बनाते हैं ताकि जो गोडाउन हमने बनाया उसमें उस सामान को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ टाटा सॉल्ट, TATA टाटा SALT सॉल्ट, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पर किलो कर देंगे, एक्सेप्ट कराना है कुछ इस तरीके से, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मेन लोकेशन आ गया, गोडाउन वाला ऑप्शन चूंकि हमने चालू कर रखा था तो ये आ रहा है। आपको याद है दो ही गोडाउन बनाया था, एक न्यू कॉलोनी एक राघव नगर, तो न्यू कॉलोनी में इसको डाल देते हैं। 100 किलो नमक हम न्यू कॉलोनी में रख देते हैं, और एक की कीमत कितनी है तो 24 रुपए कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। और फिर अब दूसरा जो नमक का जो दूसरा स्टॉक है वो 200 किलो राघव नगर में रख देंगे, तो ये देखिए 24 रुपए ही रेट है, ये आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आप GST लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे GST भी मौजूद है, पिछले वाले टैली ERP 9 में मैंने GST नहीं लगाया था, यहाँ पर आप GST भी मैंने सेट कर दिया, वहां पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा, जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहां से बाहर आ जाइएगा, दो बार डी प्रेस कर दीजिएगा, और डी प्रेस करने के बाद यहां पर ये जो बिल है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। Alt P करिएगा, एंटर करिएगा, एक बार आई बटन प्रेस कर दीजिएगा,
तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि इन्वेंटरी इन्फो का यूज कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।